आपको हमेशा देखते रहता है जी सर। सर मैं भी आपका देखता हूँ हर दिन। बीच में ना मुंगटे तो गैस आज ये गेट का इनॉग्रेशन हो रहा है, तो आज अभी सीएम को वेट कर करके अभी सीएम आ रहा है। सो सीएम सर अभी आ रहे, पहुंच गए ऑलमोस्ट। गैस तो आप लोग पिछले बार मेरा ब्लॉग में देखा हुआ है जब ये कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गया था, तो आई थिंक अभी ये आज का दिन, आज इसका इनॉग्रेशन है, तो अभी सीएम सर आ गया। जस्ट हम लोग यहाँ में सीएम सर को वेट कर रहा है गाइस। सिक्योरिटी टाइट होने जा रहा है अभी, मीडिया वाला लोग भी आ चुका है, तो सीएम सर आ चुका है यहाँ में, तो जस्ट उसको अभी वेलकम स्वागत करेगा, देखते हैं। पहुँच गया है शुरुआत हो गया। इनफैक्ट एक तो अपना दोनीपोलो एयरपोर्ट यहाँ उसका रास्ता जो है फोर लेनिंग रास्ता मेन हाईवे से लेके एयरपोर्ट का, उसका उद्घाटन हम लोग ने कर दिया। और सेकेंडली जो है, जो हम लोगों का ट्राइवल का जो पहचान है वो बैम्बू है, तो इस बार हम लोग ने एक यंग एंटरप्रेनर जो बैम्बू में एक डिज़ाइनर है उनको लगा के यहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ अपना यहाँ पे कल्चर शोकेसिंग करने के लिए बैम्बू गेट बहुत ही यूनिक है, तो उसका भी यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। और तीसरा जो है हमारा IMC के ओर से जो स्वीपिंग मशीन और जो गार्बेज को उठाने वाला जो नया टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो गाड़ी है उसको हम लोग ने यहाँ फ्लैग ऑफ किया। तो अरुणाचल वासी के लिए बहुत ही खुशी का एक खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोनीपोलो एयरपोर्ट ईटानगर जो यहाँ होलोंगी में है उसको उद्घाटन के लिए 19 तारीख को यहाँ पे आ रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, दिल्ली में भी एयरपोर्ट है तो उसको दिल्ली एयरपोर्ट से जाना जाता है, दिल्ली एयरपोर्ट के नाम से जानता है जहाँ जहाँ कैपिटल एरिया होता है। तो उसको फिर बाद में असेंबली में भी हम लोग ने डिस्कशन करके सभी लोगों का, लॉ मेकर्स लोगों का व्यू था कि जो ईटानगर में अपना ईटानगर कॉम्प्लेक्स कैपिटल एरिया में जो एयरपोर्ट आता है तो ईटानगर का नाम से जुड़ना चाहिए। एंड आई होप दिस मैटर इज़ ऑलरेडी रिजॉल्व। यहाँ का जो MLA साहब है उन्होंने भी कहा कि लोकल से बात करके ये मैटर इज़ रिजॉल्व। इसमें देखिए अभी सबसे पहले तो अभी एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद में अभी जो कंफर्मेशन जो एयरलाइंस ने दिया है, एक हो गया इंडिगो एयरलाइंस, वो फ्लाई करेंगे यहाँ से होलोंगी से कलकत्ता। इसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन जो अभी दिया है वो है फ्लाईबिग एयरलाइंस, यहाँ से गुवाहाटी वो लोग उड़ेंगे। तो आने वाला दिनों में और भी एयरलाइंस है उनके साथ में बातचीत करके हम लोग चाहते हैं कि होलोंगी एयरपोर्ट से ईटानगर से डायरेक्टली हम लोग अगर गुवाहाटी होते हुए या कहीं भी हो दिल्ली होना ज़रूरी है, ये कोशिश करेंगे। और आने वाला दिनों में हमें पूरा यकीन है दिल्ली भी कनेक्ट हो जाएगा। और जहाँ तक ये फोर लेन का जो ईटानगर नाहरलगुन से जो फोर लेन आता है, इस बार का बारिश से काफ़ी डैमेज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी हाईवे डिवीजन को बोल दिया कि जहाँ जहाँ अभी रोड लैंडस्लाइड्स के कारण से जहाँ पे छोटा हो गया है उसको जल्द से जल्द ठीक करना है। टेंडर भी ऑलरेडी हो चुका है, अभी काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। I'm stuck on repeat, I see the same skies every night. Oh, I need a sign, I need a reason why I'm alive. Cause I can figure out why everything around me just feels so far away.
कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सर एक बार सर और सर आज क्या बोलेंगे, हमें आपको मिलके बहुत मुझे अच्छा लग रहा है ना। एक्चुअली आपको सुबह देखा था, आप चला गया था ऐसा? हाँ, अब रुका ना चाहिए था। नहीं क्या करें, आप ये कितने दिल का ये दीजिए, आपको हम कैसे ये कर सकते? मेरा नाक कितना तो है सर? आपका नाक तो दो ही है। कान? कान कान भी दो ही सर। आपका कान? सर मेरा बराबर ही होगा, आदमी है तो बराबर है। सर जो मेरा जो जितना भी मेरा सब्सक्राइबर लोग ना, आप कुछ मैसेज बोलना चाहोगे? क्योंकि आज हम आपको पर्स तो मिला, लेकिन हमको हम तो आपको हमेशा देखते रहता है। जी सर, सर मैं भी आपका देखता हूँ हर दिन, तो जब आप लाइव वीडियो आते हैं मैं कमेंट करता हूँ, लेकिन आप हमको रिप्लाई नहीं करते। तो हमें तो लाइक करता हूँ कभी कभी सर। मैं भी आपका एक चीज था उसको हम शेयर भी किया है। कौन सा बोले सर? सबसे आगे था उसको हम शेयर भी किया है। कारण ये था कि कुछ ये करप्शन से या कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में था, उसको हम शेयर किया है। और जो भी आपका सब्सक्राइबर है उनको मैं बहुत बहुत जी सर। ऑडियंस बोल रहे कि रुक रहा होगा आपको मेन टॉपिक होगा, ठीक है। तोरा से हम दोनों फिर मुलाकात करेंगे। तोरा ये हमारा ड्यूटी तोरा से है, देख लेता हूँ। ठीक है सर, हम ओडिस की मैम का उधर जाएंगे ना सर। एक बार सर सर आएंगे। हाय होलंगी अंडर, ये मैं बहुत कुछ बन रहा है अभी तक, मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो जस ये है क्या बोलते हैं, धोनी फ्लो एयरपोर्ट ईटानगर। तो गाइस मैं अभी यहाँ आया हूँ। तो पहले हम अपना कैपिटल डी सी सर को बात किया, बात के बहुत मज़ा लगा। उसका एक सिंबल है डी सी सर का, सरेंगी हो मज़ा लगता है। और गाइस मतलब खुशी जो है कि मतलब डी सी सर भी मेरा वीडियो देखता है, तो कितना खुश है यार, मैं बहुत खुशी हूँ। और डी सी सर भी मेरा वीडियो देखते हैं उनके, तो ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो शायद सी एम सर लोग शायद वो उधर में है, तो ज़्यादा यहाँ से पारने मन नहीं, जैसा इसको हम देखने आए थे एक्चुअली अंडर ना, तो एक्सप्लोर करने के लिए। तो कैसे आप लोग भी दिखाते हैं, कोई लोग इसका अंडर तक कोई भी अब तक नहीं गया होगा। तो आज मेरा पहला पर्स टाइम घुसा है या मैं ना धोनी फ्लो एयरपोर्ट में, जस इसलिए डी सी सर के लिए सरेंगे हो। फाइनली एक्चुअली इतना मतलब वीडियो अच्छे से क्लिक नहीं किया, मेरा फोन का कुछ एयरपोर्ट का अंदर प्रॉब्लम होने के कारण अभी जस भैया हम अभी घर जा रहे हैं। तो आपका दिल कैसे रहा, मतलब आपको मतलब इतना जैसे कि दादा आप इतना मतलब सोच सोच के परेशान होता था, अभी आपका फाइनली जो आपका जो काम कर रहा था बोलो गेट का, तो अभी खत्म हो गया, इनोग्रेशन हो गया, कैसे लगा? मैं कुछ फील बहुत रिलैक्स है, बहुत प्राउड फील है इसके लिए कि एक डिपार्टमेंट का तरफ हम लोग का डीआरडी यूपीआर डिपार्टमेंट का तरफ से एक स्टेट को बहुत बड़ा ऐसे दिया है, मिला है। और स्पेशली हम लोग का जो आरओटी मैडम है, आरओटी उसको बहुत थैंक यू है, जो बहुत अच्छा से एक्चुअली बहुत यंग आर्किटेक्चर और वो है, तो उसका उसमें बहुत बड़ा योगदान है एक्चुअली। तो एनीवे हम बहुत खुश है और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता है हम लोग का ईटानगर और होलोंगी का सिविलियन को, जो बहुत अच्छा आपको एक स्ट्रक्चर मिला है वहाँ। चलिए थैंक यू, ठीक है, चलो गाइस बाय। अच्छा नहीं, अगर बाद में पीएम आने से तो जा पाने से तो अच्छे से बनाएगा, हमको भी पासपोर्ट धोखा दे दे। ठीक है गाइस, मेरा चैनल बनाया तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, और आप लोग जैसे सपोर्ट करते हैं ऐसे मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, टाटा बाय बाय। We'll be right back.